स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए आज देखेंगे 10 क्लास का मैथ सेकंड चैप्टर बहुपद का एमसीक्यू, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो यशस्वी इंटरेस्ट टेस्ट दे रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो क्लास तक बने रहिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, वाई इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, तो बहुपद पी एक्स की शून्य को भी संख्या क्या हुई। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट टेस्ट जो कि ये मतलब उसमें नहीं आएगा, है ना, बोर्ड एग्जाम में, लेकिन ये क्वेश्चन रहेगा। तो क्या होगा, इसमें पी एक्स का ग्राफ दिया हुआ, इसमें बोला पी एक्स के शून्यकों की संख्या, तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या पूछा है। तो एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष ये वाला है, एक्स अक्ष में जितना बार ग्राफ कटा है वही उसका आंसर हो जाता है, ठीक है, उतना ही शून्य होता है। एक बार यहाँ कटा है, एक बार यहाँ पे कट किया है ग्राफ, और यहाँ पे एक बार कट किया है, तीन बार कट किया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, ठीक है। इसी तरह अगला में भी पी एच के शून्य को संख्या, तो एक्स को देखना है कितना बार कटा है एक्स लाइन में, तो एक्स लाइन में एक बार ये कटा है, तो इसका आंसर एक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो हटाते हैं, जैसे एक आदमी और देख लेते हैं, तो ये क्वेश्चन जैसे आप देखिए इसमें कितना है पी एक्स के शून्य को संख्या, तो एक्स में एक भी बार नहीं कटा, देखो एक्स लाइन में कटना चाहिए, एक्स लाइन में तो कटा ही नहीं है, सिर्फ कटा है, एक्स में नहीं कटा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जीरो। ये दो बार कटा है, एक दो, दो बार, इसका आंसर हो जाएगा दो। ये भी दो बार कटा है, ये कितना, एक दो तीन चार बार कटा है, इसका आंसर चार, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन, ये बेहद सिंपल क्वेश्चन। अब थोड़ा सा आते हैं एडवांस क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये पहला यहाँ पे 10 और 11, ये भी इसी तरह का है, ग्राफ कितना बार कटा है, एक्स में एक बार भी नहीं कटा है, वाई में एक बार कटा है, तो एक आंसर होगा जीरो आंसर होगा, क्योंकि एक्स में एक भी बार नहीं कटा है, तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब मेन क्वेश्चन में आते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होगा बोर्ड एग्जाम के लिए तो है ही, साथ ही साथ यशस्वी इंट्रेंस टेस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं ये क्वेश्चन यहां से, माइनस बी बाई ए, और यही रहता है अगर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो इसका होता है सी बाई ए, ठीक है। तो अल्फा क्या है, शून्यक है, अल्फा और बीटा दो शून्यक है, द्विघात समीकरण में दो शून्यक होता है, इसलिए तो अल्फा सब मानते हैं, तो बीटा था, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। तो यहाँ पर पूछा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक हो, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, है ना, अल्फा इंटू बीटा भी होता है, क्या होता है सी बाई ए, इसका आंसर हो जाएगा सी बाई ए, माइनस नहीं लगाना है, ठीक है, सी बाई ए से। फिर है 14 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल 8 है, तो इसका शून्यक क्या होगा। देखो शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो शून्यकों का गुणनफल होता है, लगा देंगे फॉर्मूला सी बाई ए इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है 8, तो 8 लगा दो। अब देखो यहाँ से सी निकाल लेना है, सी निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, सी बराबर 8, ठीक है, क्योंकि ए नीचे है, ए सीधा सीधा रहता है, ए बराबर 1, नीचे पूछेंगे तो 1 लगा दो, तो ए बराबर 1 होगा, सी बराबर 8। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन 14 नंबर है, तो ए एक्स स्क्वायर दिया हुआ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ए, तो ये कैसा रहता है, जो इसका ओरिजिनल फॉर्म है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी लास्ट में सी होता है, तो लास्ट में सी की जगह यहाँ पे ए लिख दिया है, इसी को सिर्फ ए का वैल्यू निकालना है कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस नौ एक्स, और लास्ट में सी होता है, तो सी का वैल्यू यहाँ आया है 8, तो एक जगह में 8 होगा, इस तरह से समीकरण बन गया। अब ये समीकरण बन गया तो इसका शून्य निकालने वाला है, तो शून्य निकालने जानते हैं द्विघात बहुपद का, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करके उसको दो भाग में इस तरह से तोड़ते हैं कि जोड़ घटा के 9x आ जाए, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस या बड़ा माइनस, तो माइनस लगाएंगे, देखो फर्स्ट एंड लास्ट को गुणा करना है, फर्स्ट एंड लास्ट को गुणा कहाँ पे कर दे, यहाँ पे कर दे रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट गुणा करो, तो फर्स्ट एंड लास्ट गुणा करो तो 8 और एक्स स्क्वायर, तो 8 एक्स स्क्वायर होगा, 8 एक्स स्क्वायर होगा, इसको फिर दो भाग में तोड़ देना है, दो भाग में तोड़ देना है, इस कदर तोड़ो कि बीच वाला आ जाए, बीच वाला जोड़ने घटाने से आ जाए, तो
आठ है का आठ कर सकते हैं, तभी आठ आ रहेगा, नौ आएगा, नौ लाना है, लेकिन नौ लाना है तो जोड़ होना चाहिए, तो दोनों में माइनस लगाएंगे तब होगा माइनस माइनस प्लस, यानी जोड़ का आठ आएगा नौ हो जाएगा, और चूंकि दोनों में माइनस का साइन है इसलिए माइनस साइन, तो जो भी लाना है बीच में वो आ जाना चाहिए, रफ में इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो माइनस एट करने से आया तो लगा देते हैं यहाँ पे माइनस एट और एक्स है तो एक्स लग जाएगा, माइनस एट एक्स फिर माइनस वन एक्स करने से आया आठ हरे, ठीक है। तो वन एक्स और एट एक्स कर दिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखो इसमें लास्ट जो है लास्ट को सेम टू सेम उतार देते हैं, लास्ट में आठ है तो उतार देते, फिर कॉमन निकाल देते हैं, एक्स एक्स कॉमन निकलेगा, एक्स निकल गया तो एक्स बच जाएगा यहाँ, यहाँ माइनस एट, फिर यहाँ पे कॉमन कुछ निकालो तो क्या कॉमन निकलेगा, वन निकलेगा कुछ नहीं, तो वन माइनस वन निकाल दो, है कि अंदर माइनस लाना है, यहाँ एक्स बच जाएगा और यहाँ प्लस में माइनस चल गया तो माइनस बच जाएगा माइनस एट, ऊपर आना चाहिए गुणा करने से, गुणा करने से ऊपर वाला जो है सेम टू सेम आ जाना चाहिए, गुणा करके वन और एक्स को गुणा करके देखो एक्स आ गया ऊपर वाला, फिर वन को एट से गुणा करके देखो एक अठे आठ में आ गया, और साइन को देखो माइनस माइनस प्लस में आ गया और माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ऊपर वाला आ रहा है अगर गुणा करके तो समझो सही बन रहा है, तो ये हो गया, फिर से कॉमन दिख रहा है एक्स माइनस एट दोनों में, तो एक्स माइनस एट को फिर से कॉमन निकाल दो, एक्स माइनस एट निकल जाएगा, ये बाहर वाला बच जाएगा जो कि एक्स है, और अगला में माइनस एक वो बन जाएगा, ठीक है। हम शून्य निकालना हमको तो बराबर जीरो कर देंगे, शून्य कर देंगे, एक्स माइनस एट बराबर जीरो एक बार करना है, अरे बार एक्स माइनस वन बराबर जीरो, क्यों, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई को बराबर सुधर ले जाएंगे तो डिवाइड होगा, और जीरो से डिवाइड होकर जीरो हो जाएगा, तो दोनों ना मल्टीप्लाई में है, एक्स माइनस एट भी मल्टीप्लाई में, एक्स माइनस वन भी, तो दोनों को भगाना होगा एक एक करके, एक बार एक्स माइनस वन को भगा दिए तो जीरो हो गया, तो बच गया एक्स माइनस एट बराबर जीरो, फिर एक्स माइनस एट को भगाओ तो एक्स माइनस वन बराबर जीरो, ठीक है। अब यहाँ एक्स का वैल्यू आ गया आठ यहाँ, और यहाँ से एक्स का वैल्यू आ गया वन, तो वन और एट जो है ये इसका शून्य हो जाएगा, तो वन और एट देखो चौथा नंबर ऑप्शन में है, ठीक है, तो वन और एट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं पंद्रह नंबर क्वेश्चन में, तो पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, साफ कर लेते हैं, जहां पे जरूरत पड़े आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन ये शून्य है, तो वन बाय अल्फा और वन बाय बीटा क्या होगा वो फाइंड करना है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा किसका शून्य है, 15 नंबर क्वेश्चन देख लें, 15 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला है वन बाय अल्फा निकालो और वन बाय बीटा, और दो बीच में प्लस है, वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा इज इक्वल टू क्या होगा आंसर बताना है, तो सबसे पहले अल्फा हमको पता चलेगा बीटा पता चलेगा तब ना वन बाय अल्फा वन बाय बीटा निकालेंगे, तो या तो इसको शून्य निकाल के अल्फा बीटा निकाल सकते हैं, शून्य फिर अल्फा बीटा होता है, ठीक है। या इसका एक और तरीका है, क्या तरीका है, इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें इवन को इसको, तो क्या होगा बी ग्रोस मल्टीप्लाई हो जाएगा, जोड़े तो भिन्न में जोड़े तो बीटा यहाँ चल जाएगा, तो बीटा प्लस अल्फा वहाँ चल जाएगा अल्फा, और नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा ये निकालना है, इसी बात और थोड़ा सीधा से लिखे ऐसा लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा, यही फाइन करना है। अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं कि माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा जानते हैं कि सी बाई ए होता है, इससे डायरेक्ट निकल जाएगा, तो माइनस बी बाई ए देखो कितना है माइनस बी, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो माइनस बी बाई ए, तो बी एक्स वाला है टू, बी की जगह लिखेंगे टू और माइनस वन, माइनस टू अपॉन ए, ए में क्या है तो कुछ नहीं, एक्स में देखो कुछ नहीं, कुछ नहीं तो एक नीचे सी बाई ए होता है, सी में क्या है, सी में वन है वन, ए में कुछ नहीं है तो वन, तो वन वन खत्म खत्म, तो क्या बच गया ऊपर में माइनस टू और नीचे वन, माइनस टू बाई वन यानी कि माइनस टू, माइनस टू आंसर हो जाएगा जो भी सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर ऑप्शन, क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ेंगे तो प्लस ए एक्स माइनस बी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब एग्जाम में होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पीएम एसएससी वाला भी ये क्वेश्चन देखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन तो ध्यान से देखिएगा अगर फॉर्म भरे हुए हैं तो इसमें बोला है कि शून्य बराबर है, बराबर है किंतु विपरीत है, इसका शून्य जो है बराबर है लेकिन उल्टा है, बराबर है लेकिन उल्टा है, दोनों शून्य बराबर है, मतलब ये वो अल्फा होगा
जो बीटा जिसको माइनस अल्फा हो जाए वी विल माइनस वन होगा। ठीक है, अब हमको बोला ए का वैल्यू फाइन करो, तो यहाँ बीच में ए है जो कि क्या होता है यहाँ पे बी होता है ओरिजिनल नंबर, ए तो शुरू वाला होता है ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स होता है, यानी बीच में बी है ना और लास्ट में सी होता है, सी होता है। हम जानते हैं देखो बीच वाला निकालना, तो बीच वाला बी होता है, बी और ए किस में आता है बी बाई अल्फा प्लस बीटा में, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा देखो अल्फा तो अल्फा ही है लेकिन बीटा जो है माइनस अल्फा है, माइनस अल्फा लगा दो फिर माइनस बी, बी में क्या है ए है, देखो बी की जगह में ए है तो माइनस ए लिखेंगे, फिर ए की जगह क्या है तो ए की जगह देखो यहाँ एक्स स्क्वायर सिर्फ है यानी कुछ नहीं है एक्स स्क्वायर से पहले कुछ नहीं तो वन, अब अल्फा में अल्फा घटेगा तो जीरो, जीरो में इधर वन आके मल्टीप्लाई होगा फिर ए बचेगा माइनस ए, फिर तो ए इधर मल्टीप्लाई होगा वन जीरो से तो जीरो होगा ए बराबर क्या आ गया जीरो, ए बराबर जीरो आंसर ऑप्शन नंबर चार में, फिर ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर है माइनस 15 इसके शून्य चार होंगे, तो जब भी ऐसा रहे टी स्क्वायर मतलब एगो स्क्वायर है और एगो नंबर को है डायरेक्ट, इसका शून्य निकालने के लिए इसको स्क्वायर में बदल देना है, टी स्क्वायर माइनस 15 है तो 15 में स्क्वायर ऐसा बदलो कि 15 का 15 ही रहे और स्क्वायर भी लग जाए, और अगर ऐसा सिंपल 15 में स्क्वायर लगा देंगे तब तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225, 15 दिया है क्वेश्चन में हम 225 बना दें ऐसा तो हो नहीं सकता है लेकिन हमको स्क्वायर की जरूरत है, तो क्या करेंगे रूट लगा के स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि रूट हर स्क्वायर कट जाता है 15 ही होगा इसका मतलब। ठीक है, तो ऐसा क्यों लगाए क्योंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए बन गया है टी तो टी लिखेंगे प्लस बी बना है 15 रूट में तो 15, फिर ए माइनस बी तो ए की जगह टी है माइनस बी की जगह रूट 15, शून्य निकालने का है शून्य मतलब बराबर शून्य कर दो, तो बराबर शून्य करेंगे तो टी प्लस 15 एक बार रह जाएगा बराबर शून्य और एक बार टी माइनस 15 रूट बराबर शून्य। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टी बराबर क्या होगा प्लस में 15 है तो उधर जाके माइनस शून्य में हो जाएगा रूट 15 और यहाँ पे माइनस में है पहले से उधर जाके प्लस रूट 15, एगो माइनस रूट 15 एगो प्लस रूट 15 आंसर, देख लो कहा है दूसरा ऑप्शन में एगो माइनस एगो प्लस। ठीक है, तो जब भी इस तरह से रहे एक्स स्क्वायर माइनस 15 या एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 तो इसमें जो नंबर रहेगा ना उसी को रूट लगा के एक बार प्लस में एक बार माइनस में डायरेक्ट आंसर लिखना है, ये तरीका बता दी कैसे बनता है लेकिन इसका बनाते नहीं रहना है टिक लगाने वाला में डायरेक्ट, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3 रहा इसका शून्य तो बस रूट अंडर 3 रहेगा एगो प्लस में एगो माइनस में रूट अंडर 3, ठीक है रूट लगा के बस प्लस माइनस लगा देना है तो प्लस में एगो माइनस कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है यह 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद ये है इसका शून्य चार होगा कौन है तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस आठ है टू एक्स माइनस आठ इसका शून्य तभी निकाल रहे थे फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करना है आठ एक्स स्क्वायर इसको दो भाग में इस तरह तोड़ना है कि बीच बुलाया जाएगा आठ है का आठ होगा तो बीच बुलाएगा दो है ना तो आठ में जोड़ने से नौ होगा घटाने से सात नहीं आएगा तो चार गुनी आठ कर देते चार गुनी आठ चार में दो घटाएंगे तो दो आ जाएगा लेकिन माइनस दो लाना है तो बड़ा माइनस लगाएंगे छोटा में प्लस सात है साथ क्या लगा देंगे एक से तो एक उसी को बीच में लिख देना है शुरू वाला उतार देना जैसा वैसे ही बीच में वहां जो आया इसको उठा कर लिख देना है। ठीक है, फोर एक्स माइनस में प्लस टू एक्स लास्ट में सेम टू सेम लास्ट में एट माइनस में फोर बन जाएगा और यही फोर एक्स माइनस फोर को यहाँ थोड़ा सा जगह छोड़ के लिख सकते हैं फिर यहाँ भर दो कुछ ऐसा भरो ऊपर वाला आ जाए यहाँ देखो एक से ऊपर टू एक्स लाना है तो टू से होगा और प्लस में लाना है तो प्लस टू तो प्लस टू और एक्स टू एक्स हो गया फिर टू और फोर टू फोर जाए एट और प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस एट तो फिर से एक्स माइनस फोर को मन है तो एक्स माइनस फोर निकाल दो तो बच जाएगा बाहर बाहर वाला एक्स प्लस टू शून्य कहा तो शून्य माने जीरो तो एक्स माइनस फोर बराबर एक बार जीरो लिखेंगे और वो एक्स प्लस टू बराबर जीरो एक्स माइनस फोर करेंगे तो एक्स बराबर उधर जाएंगे प्लस फोर और ये प्लस टू वाला उधर जाकर माइनस टू तो फोर और माइनस टू हो जाएगा आंसर एक्स बराबर फोर
माइनस टू किसमें देखो, पहला ऑप्शन में फोर और माइनस टू, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह से शून्य निकालने का क्वेश्चन आए तो कोई भी एग्जाम में आए आप आराम से इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन में भी शून्य निकालना है, तो शून्य का उम्मीद करेंगे बन जाएगा 3x² - x - 4 है, शून्य निकालना है। तो लास्ट और शुरू को गुणा कर दो, 3×4=12, रफ में ये काम करना है 12x². अब 12 का ऐसा पहाड़ा पड़ो कि बीच वाला है, बीच में कुछ नहीं दिख रहा है, 1x हो है ना, तो 1 आओ, तो 4 किया 12, तो 4 में 3 घटाने से 1 आएगा, दोनों में 1 से 1 लगा, और -x लाना है तो माइनस बड़ा में प्लस छोटा में, ठीक है, तब माइनस प्लस माइनस होगा, घटाएंगे तो -x आए, ठीक है। तो किसको घटाने से, इसको घटाने से आया, तो इसको बस बीच में उतार दो, शुरू वाला जैसा है वैसे लिखो, बीच में 4x माइनस में प्लस 3x, लास्ट वाला जैसा है सेम उससे उतार दो, फिर कॉमन निकालो दो से, ये दोनों से फिर कॉमन निकालेंगे तो x खाली दिख रहा है दोनों में, तो x निकला तो 3x बच जाएगा, चूंकि x² था, 2x था, वो बाहर चल गया, वो बच गया, माइनस यहाँ से x निकला तो 4 बच गया, फिर यही वाला को थोड़ा सा जगह छोड़ के इधर लिख दो, फिर मिला दो ऊपर वाला से, तो ऊपर तो सेम लग रहा है 3x - 4, ऊपर कुछ नहीं था, एक लिख दो, एक से गुणा कर दो, एक या तीन एक सौ से प्लस 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 माइनस माइनस ऊपर वाला आना चाहिए, ठीक है। अब फिर से कॉमन है तो 3x - 4 को फिर कॉमन करो, तो यहाँ बच जाएगा अगर x बाहर हो प्लस बराबर 0, शून्य निकालना है तो फिर हो गया 3x - 4 बराबर 0, और एक तो x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से x निकालेंगे तो माइनस उधर जाकर प्लस 4 होगा, और 3x के साथ गुना का संबंध है तो गुना वाला भाग हो जाता है, यहाँ हो जाएगा x बराबर माइनस वन, तो देखो 4/3 और माइनस वन कहाँ है, तो 4/3 - 1 ऑप्शन नंबर 2 में है, ये रहा आंसर इसका, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो फिर से शून्य निकालना है, लेकिन वो वाला निकल जाएगा, फिर से शून्य निकालना है, दिख रहा है, तो भैया अब शून्य निकालने, देखो इसका x² - 3 था, ऐसा हुआ जब भी रहे तो बोले हैं x² - 3 था, ऐसा जब भी नंबर में रहे तो बोल दिए जो नंबर है उसी में रूट लगाओ, अरे वो प्लस मिले वो एगो माइनस, तो भी अच्छा, ठीक है, एगो प्लस में एगो माइनस, ठीक है, ठीक। और 21 नंबर फिर शून्य निकालना है 3x² - x - 4 का, और उसका योगफल निकालना है, ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन है, शून्य को का योगफल था, अभी शून्य का आया था, शून्य निकाल के उसका योगफल निकाल देना है, चलो शून्य निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद फिर इसका योगफल निकालते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, आते हैं क्वेश्चन, तो ये इसको साफ कर लेंगे इधर, कौन सा 21 नंबर 3x² - x - 4 है, तो 3x² - x - 4 लिख लेते हैं, 3x² - x - 4, पहले फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करके शून्य निकाल लेते हैं, या इसमें क्या बोला है, शून्य को का योगफल बोला था, योगफल बोला है तो डायरेक्ट योगफल निकालना, शून्य को का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी वाई, तो डायरेक्ट निकाल देना है माइनस बी वाई, तो बी होता है बीच वाला एक्स वाला, तो बी में तो कुछ नहीं माइनस एक है, तो माइनस एक बटा ए, ए में 3 है तो 3 माइनस एक बटा 3, जहाँ पे आंसर देखिए लगा दो, अच्छा माइनस में यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस है, फॉर्मूला में माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यानी प्लस वाला आंसर होगा माइनस प्लस, ठीक है, क्यों प्लस समझ में आ रहा है ना, माइनस फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई फॉर्मूला में, और क्वेश्चन में दिया हुआ बी माइनस में, माइनस एक्स है यानी माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वन बाई टू, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर है, और भी क्वेश्चन है इसका लास्ट में शून्य होगा, x² - 3 का शून्य को का गुणनफल बोला है, x² - 3 है जिसको शून्य का गुणनफल, शून्य गुणनफल का अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है सी बाई ए, सी बाई ए होता है, सी देखो इसका क्या है, इसमें सी ये वाला है जिसमें एक्स आया था वो सी, तो सी है -3 -3 / a, a में कुछ नहीं है,
वन है, माइनस तीन बाई वन, माइनस तीन बाई वन मतलब माइनस तीन ही होगा, चार नंबर ऑफ माइनस तीन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो 23 नंबर से, तो इस चैप्टर में ज्यादातर शून्य ही निकालना है, तो देखो फिर से शून्य है लेकिन ये थोड़ा दूसरा टाइप का है, थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस बारह एक्स, इसका शून्य निकालना है। ठीक है, इसमें सी नहीं दिया हुआ है, तीसरा जो बताता हूँ नहीं दिया हुआ है, दो तो दिया हुआ है, इसमें डायरेक्ट कॉमन निकाल देना है। तो तीन दिख रहा है दोनों में, नहीं दिख रहा है, देखो बारह के अंदर घुस के देखो, तीन नीचे उठे बारह, मतलब तीन दोनों में है तो तीन निकला, एक दिखे रहा है दोनों में, तीन एक्स निकल जाएगा, तीन एक्स पहला वाला से निकलेगा बाबू, एक्स दो था एक एक्स बचेगा, यहाँ से तीन निकल गया तो सिर्फ और सिर्फ चार बचेगा, माइनस में एक्स निकल गया, नहीं बचेगा छोड़ दो, बराबर शून्य है तो जीरो। अब दोनों को फिर से मल्टीप्लाई आया थे तब तक जीरो कर दो, थ्री एक्स बराबर जीरो, एक्स माइनस फोर बराबर जीरो, यहाँ एक्स बराबर तीन जीरो की तरफ जाकर भाग होगा तो जीरो हो जाएगा, और ये चार जीरो की तरफ जाएगा माइनस में तो प्लस चार, तो जीरो चार आंसर, जीरो चार फर्स्ट नंबर ऑप्शन में, ठीक है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन में जीरो चार, तो जीरो चार हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे दिक्कत होगा, जिस क्वेश्चन को लगेगा कि इसको लिख लेना चाहिए तो लिख लीजिएगा, वीडियो रोक के ना मिटाते जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, इसका शून्य निकालना है, ऐसा वाला तो शून्य का आप निकाल लीजिएगा, उम्मीद करेंगे छोड़ दे रहे हैं, पहला राष्ट्र गुणा करने वाला है, ये भी उससे पहला राष्ट्र गुणा करके शून्य निकालना है, लेकिन शून्य को का योग निकालने का है, तो शून्य को का योग निकालने का है ना, तो शून्य को नहीं निकालते रहना है, डायरेक्ट योग निकालना है। ठीक है, डायरेक्ट शून्य को का योग निकालना, कैसे, तो एक्स स्क्वायर है, शून्य को का योग फॉर्मूला जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन, शून्य को का योग बोला है, योग योग मैंने जोड़ होता है, शून्य को का योग जानते हैं फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, माइनस बी, बी में देखो सात है, सात और ए में कुछ नहीं थे, सात बटा एक मैंने सात माइनस सात माइनस तीन, फिर इसका गुणनफल निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टू, इसका गुणनफल निकालना है शून्य को का, तो गुणनफल होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बाई ए, सी कितना है, तो सी देखो दो है, सी की जगह में दो है, दो लिख दो, बटा ए, ए में कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं, एक दो एक दो दो आंसर तीसरा ऑप्शन में। ठीक है, तो इस तरह से शून्य का आराम से फाइंड कर सकते हैं, तो यही सब क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं, दूसरा चैप्टर में शून्य निकालना है और अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है तो शून्य निकालना, ठीक है, शून्य निकालना और बहुपद बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब बहुपद बनाने वाला एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये शून्य निकालना है, यहाँ से भी फोर यू कॉमन निकाल दीजिएगा, फोर यू स्क्वायर है प्लस एट यू, तो डायरेक्ट ही कॉमन निकलेगा चार यू, चार यू कॉमन निकला तो यू बन जाएगा प्लस चार दुनिया बराबर जीरो, फोर यू बराबर जीरो, यू प्लस टू बराबर यू बराबर माइनस टू, और यहाँ यू बराबर जीरो, माइनस टू और जीरो देख लो कहाँ है, माइनस टू और जीरो तीसरा ऑप्शन में। अब शून्य का अगर दिया हुआ है तो बहुपद कैसे बनाएंगे उसको समझ लेते हैं। ठीक है, शून्य दिया हुआ है तो बहुपद निकालना सीखते हैं, तो शून्य कहाँ दिया हुआ, अट्ठाईस नंबर में, एक द्विघात बहुपद चार होगा जिसके शून्यकों का योग दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो शून्यकों का योग को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, जो कि दिया हुआ है फॉर्मूला लिख लो, पहले फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग दिया हुआ है, यहाँ पे देखो जीरो जीरो दिखा जीरो, और एक होता है अल्फा गुना बीटा बराबर सी बाई ए, तो अल्फा गुना बीटा यानी गुणनफल बोला है, शून्यकों का गुणनफल है रूट फाइव, लगा दो रूट फाइव, हर में कुछ नहीं है तो नीचे कुछ नहीं है तो एक लगा दो, एक यहाँ कुछ नहीं है एक, अब यहाँ से सीधा सीधा ए निकाल लो, ए का सीधा में वन है, ऊपर भी ए का सीधा में वन, तो ए हो जाएगा वन, अगर दोनों में वन वन नहीं रहता तो पहले हर को बराबर कर लेते, ठीक है, तो हर बराबर है तो वन हो गया, बी कितना है, तो बी का सीधा देखो जीरो है, बी का सीधा ऊपर में जीरो है, जीरो है तो माइनस प्लस लगाने की जरूरत नहीं, जीरो लगा, सी में तो रूट फाइव है, सी बराबर हो गया रूट, फॉर्मूला क्या होता है द्विघात का, तो ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स होता है प्लस सी होता है, तो ए ए में वन है तो वन एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर है, बी बी में जीरो है तो जीरो एक्स हो जाएगा प्लस सी सी में रूट पांच है तो रूट पांच, अब जीरो एक्स बीच में है तो जीरो एक्स माने जीरो को एक्स से गुणा करेंगे तो जीरो बन जाएगा, तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस रूट पांच, एक्स स्क्वायर प्लस रूट पांच देखिए कहां आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट पांच सेकेंड नंबर ऑप्शन में है। ठीक है,
और एक आदमी क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुपद बनाने का तो क्लियर ही हो जाएगा। तीसरा चैप्टर में आएंगे तो तीसरा चैप्टर में खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है, लंबा सा बहुत सारे लंबा लंबा चैप्टर है, उसको कल का वीडियो में देखेंगे। आज बस दो ही चीज सीखेंगे, गुणनफल और योगफल। देखो ये ऊपर तथा गुणनफल फिर से दिया हो, माइनस तीन और दो, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तो योग योग दिया हुआ उसको लिखो, योग है माइनस तीन, तो माइनस तीन नीचे कुछ नहीं तो ए, फिर अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा होता है सी बाई ए, ये भी दिया हुआ टू, टू और नीचे कुछ नहीं तो ए, तो फिर से यहाँ से ए निकालो तो ए का सीध हमें एक, एक यहाँ भी है ना, ए का सीध हमें एक है, मतलब ए क्या है, एक है, माइनस तीन दिख रहा है, अब बी में भी माइनस, अब यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस तीन हो जाएगा, बटा 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 सी, सी अब देखो सी कितना है, सी का सीधा में दो है, दो, अब फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए आया वन, तो वन एक्स स्क्वायर प्लस बी, बी है तीन, तीन एक्स प्लस सी, सी है टू, ये एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, पहला ऑप्शन क्लियर। इस तरह से क्वेश्चन उम्मीद करेंगे अब बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन रह गया उसको भी देख लेते हैं, क्या है तीस नंबर क्वेश्चन, तीस नंबर क्वेश्चन कहना चाह रहा है यहाँ पे, तीस नंबर क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद का शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः वन वन है, फिर से दे दिया बन जाएगा योग और गुणनफल चार है, तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतने, उम्मीद करेंगे कि ये जो भी चीजें यहाँ पे आई वो समझ में आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, यानी तीसरा चैप्टर, ठीक है। और बहुत जल्द लाइव टेस्ट भी होगा, अभी थोड़ा सा ट्रायल वर्जन में है, सारा कुछ को सेट कर रहे हैं सही से, कभी आवाज़ सही से नहीं आ रहा है, तो कभी वीडियो सही नहीं आ रहा है, कभी क्या हो जा रहा है, कुछ भी दिक्कत हो जा रहा है, ताकि सेटअप नया किए हैं, तो जैसे सब कुछ क्लियर हो जाएगा वैसे ही आप टेस्ट लेना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।